मैं आपका नाम जानता हूं, मैं आपका एज जानता हूं, साथ में मैं आपका एड्रेस भी जानता हूं। इस तरह की मैथ्स ट्रिक यूज करके आंसर देने वाले YouTube वीडियो आपने आज तक बहुत बार देखे सुने होंगे, बट YouTube की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे आप किसी का भी सरनेम जान सकते हैं। और यस, मैं आपका सरनेम भी जानता हूं। ये ट्रिक मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। ट्रिक सीखने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जैन और आपका स्वागत है मेरे और आपके चैनल ट्रू ज्ञान पे। यह मैथ ट्रिक वैसे तो बहुत सिंपल है, बट फिर भी आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज में ले सकते हैं। आपको सिंपली 5 to 6 स्टेप्स फॉलो करनी है। सो स्टेप नंबर 1, आपके सरनेम में कितने लेटर्स हैं आपको सबसे पहले ये काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम पूरा नाम है राहुल जैन। राहुल मेरा नेम है एंड जैन मेरा सरनेम है। सो सरनेम के अंदर कितने लेटर्स हैं? जैन, जे ए आई एन, 4 लेटर्स, 1 2 3 4। स्टेप नंबर 2 में अगर आपके सरनेम में ए ई आई ओ यू आता है तो पहले वाले डिजिट में 5 मिलाइए, अगर नहीं आता है तो आप 8 मिलाइए। जैसे मेरा सरनेम था जैन, जैन में आई आता है, सो मैं 4 + 5 कर रहा हूं, टोटल आया 9। स्टेप नंबर 3, अगर आप मेल हैं तो पहले वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब गुना कीजिए 2 से, और अगर आप फीमेल हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि गुना कीजिए 4 से। मैं गुना करता हूं 2 से, तो पहले वाला मेरा टोटल था 9, मैंने गुना किया 2 से तो टोटल आ गया 18, मतलब 18। स्टेप नंबर 4, अगर आप मेल हैं तो अपने टोटल में से माइनस कीजिए 4, अगर आप फीमेल हैं तो माइनस कीजिए 8। मैं माइनस करता हूं 4 को, मेरा टोटल था 18, 18 में से मैंने 4 माइनस किया, मतलब घटा दिया 4, तो मेरा टोटल आ गया है 14। स्टेप नंबर 5, अगर आप मेल हैं तो अपने टोटल को डिवाइड कीजिए, मतलब भाग दीजिए 2 का, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने लास्ट वाले टोटल को डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए 4 से। मैं डिवाइड करता हूं 2 से, मेरा टोटल था 14, मैंने डिवाइड किया मतलब भाग दिया 2 से, तो मेरे पास बच गया 7। अब ये है फाइनल स्टेप, मतलब लास्ट स्टेप। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जो आपका टोटल आया है उसमें से आपको स्टार्टिंग वाले आपके सरनेम के टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को माइनस करना है। मतलब मेरा टोटल आ रहा था 7, मैं माइनस करूंगा मेरे जैन वाले लेटर 4 को, 7 में से माइनस किया मैंने 4, मतलब घटाया 4 को, तो मेरा फाइनल फिगर आ गया 3। ऐसे ही आप भी अपना टोटल निकाल लीजिए और जो फिगर है उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा। जो भी आपका सरनेम है वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखने वाला है। फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन होने से पहले भारतीय हैं। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए जय हिंद, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड सभी को भारतीय होने का गर्व महसूस जरूर कराइए। जय हिंद।